नमस्कार दोस्तों, प्रमोद सर स्टडी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे और सीखेंगे, जानेंगे कैसे बनाया जाता है। वीडियो इन तक देखना मत भूलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे। आइए चलते देखते हैं सूत्र इसका क्या है, फॉर्मूला क्या है और इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, इस पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट में, आइए देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट का सबसे पहले जानेंगे हिंदी क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट का हिंदी होता है साधारण ब्याज, ठीक है, उसको हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज को, है ना। उसके बाद होता है इसमें पी, पी मतलब प्रिंसिपल होता है। उसके बाद होता है आर, आर मतलब रेट होता है। उसके बाद टी होता है, टी का मतलब टाइम होता है। उसके बाद ए होता है, ए का मतलब अमाउंट होता है। तो सबका मतलब होता है फॉर्मूला, सबका मतलब फॉर्मूला होता है। क्या होता है फॉर्मूला, आइए देखते हैं। तो इसमें क्या करना है, इस सबका फॉर्मूला लिखेंगे तो आइए देखते हैं। नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए इधर सुन लीजिए, ठीक है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, एस आई, यहाँ पर पी, उसके बाद आर, उसके बाद टी, उसके बाद ए। यस, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट, पी से प्रिंसिपल, आर से रेट, टी से टाइम, ए से अमाउंट। तो इस सब के बराबर में कुछ होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का मतलब होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद पी निकाला हो तो इसमें होता क्या है, एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी होता है। उसके बाद आर निकालना हो तो वही चीज लिखेंगे, एसआई इंटू 100 बाई E into T। अब T निकालना है तो T निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, SI into 100 upon T into R लिख देंगे। और यहाँ पर निकालना है आपको A, तो A बराबर क्या होता है, T plus SI, अमाउंट पूरा टोटल निकल गया, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि हम इसे बना कैसे, तो सबसे पहले आपको पहला फॉर्मूला आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि SI और इसमें से जो कुछ भी बाहर निकालेंगे इसके बटा में चल जाएगा। मान के लिए पी निकालना हो, प्रिंसिपल निकालना हो तो पी निकालेंगे तो ही क्या होगा, बराबर में चीज है वो लिख देंगे, एस आई इंटू 100 अपॉन, इसमें क्या बच रहा है, आर इंटू टी, आर इंटू टी, तो आर इंटू टी टी बराबर दिया हुआ है यहाँ पर, आर दिया हुआ है किधर, यहाँ पर आर इंटू टी। अब वही चीज यदि आर निकालना हो तो ये चीज लिख देंगे टोटल एस आई इंटू 100 अपॉन, इसमें क्या बच रहा है, टी इंटू टी बच रहा है। वही चीज यदि टी निकालना हो तो यही चीज लिखेंगे, एस आई इंटू 100 अपॉन क्या बच रहा है इसमें, टी इंटू मिल रहा है दोनों, और अमाउंट निकलने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, ब्याज को और मूलधन को जोड़ देंगे तो आपका अमाउंट टोटल निकल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन हम लेते हैं आपके सामने, मिटा दें इसको, मिटाते हैं, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपको दे दिया है, पी इज इक्वल टू 5000, T is equal to 5 years और रेट इज इक्वल टू दिया हुआ 5%, इसका एसआई निकालना है, एसआई निकालना है। एसआई बराबर नीचे फॉर्मूला लिखे थे इसके पहले, P into R into T by 100, तो P का वैल्यू इसमें दिखाई दे रहा है कि 5000 है, R का वैल्यू दिखाई दे रहा है 5 है और T का वैल्यू 5 है। अब बटा में क्या लिख देंगे, 100, तो यहाँ पर 2 0 से 2 0 कट गया, बस से कितना 50 × 5 × 5 यानी कि 50 लिख करके यहाँ पर 25 लिख देंगे। इसमें गुना करें कितना होगा, 5 होगा, है ना, फिर इसमें गुना करेंगे 12 होगा, 0 होगा, यानी कि 12 से 50 हो गया, आपका क्या होगा, एसआई होगा, ठीक है। यहाँ पर एसआई यहाँ पर कितना निकल गया, 1250, वही अमाउंट निकालना हो तो इसमें 5000 में 1250 जोड़ देंगे तो अमाउंट आपका आ जाएगा, ये आपका फुल आंसर होगा। अब इसमें यदि कहा जाए कि नहीं, जब ब्याज आपका इतना आ गया, जैसे दो नंबर क्वेश्चन लेते हैं, टी बराबर वाई,
प्रिंसिपल निकलना है। टी बराबर एक चीज 5 साल लिख देते हैं, 5 ईयर। आर बराबर वही रेट 5%, और एसआई बराबर आप कही आगे 12.50 लिख देते हैं। तो पी बराबर कितना होगा, 5000 आना चाहिए, आपका आंसर सामने पड़ा हुआ है। तो 5000 लाने के लिए इसका फॉर्मूला हम यूज करेंगे। पी बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लिखा है? यस सर। पी बराबर क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन आर इंटू 3। एस आई का वैल्यू दिया हुआ है इसमें कितना, 1250 गुना 100 लिख दिया, अब बटा 5 × 5 विधि कर, यहाँ पर काट देंगे 20 × 5 = 100, यहाँ पर काट देंगे कितना 5 × 20, तो कितना होगा 1250 × 4 = 5000 हो गया। 5000 आया, इसमें गुना करेंगे तो इतना ही होगा। यदि हमने यहाँ पर टी निकाल लिया, एसआई निकाल लिया, बोल सके टी और आर, तो टी एम निकालेंगे हम, तो क्या करेंगे, यही इसी पर निकालते हैं। एसआई आपका दिया हुआ है 1250, ठीक है, और टी नहीं दिया हुआ है, टी मिटा देते हैं, ठीक है। तो टी जब हमारा नहीं दिया हुआ है तो टी बराबर क्या होता है, फॉर्मूला एसआई इंटू 100 बाई टी इंटू आर, ठीक है। तो एसआई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1250 इंटू 100 लिख दिया, अपन टी का वैल्यू कितना दिया है, 5000 इंटू आर का वैल्यू 5। अब क्या करना है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 25 × 25 = 125 हो गया, यहाँ पर काट देंगे 50 × 25, देखिए 5 इयर्स हुआ कि नहीं हुआ, आ गया ना। अब वही चीज यदि यहाँ पर हम क्या करें, आर निकालना हो तो एस आई इंटू 100 बाई टी इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पर 5 आ गया तो 5 लिख देते हैं, ये मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही निकालना है हमको। तो एसआई का वैल्यू कितना होगा, 1250 × 100 अपन टी का वैल्यू 5000 × टी का वैल्यू 5। तो 2 जीरो से 2 जीरो वही चीज है, 25 × 25 = 100, 25 एक कट गया तो 5, यानी कि 5% आ गया आपका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से यदि आपको क्वेश्चन मिलता है तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। अगले वीडियो के लिए वेट करें। जय हिंद, धन्यवाद।